वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो बाइक है TVS RTR 180cc, जो काफ़ी पॉपुलर एक दमदार एंड पावरफुल एक बाइक है, जिसका प्राइस स्टार्ट होते हैं 1,31,370 रुपीज़, जो एक शोरूम प्राइस है इन वेस्ट बंगाल। इसके अगर फीचर्स के बारे में बात करें या चेंजेस के बारे में बात करें, तो इसमें क्या चेंजेस किया गया है, इसमें हेडलैम्प यूनिट जो है वो LED में अभी प्रोवाइड करते हैं कंपनी। इसका जो रेयर का लुक है वो भी चेंज कर दिया गया है, एंड वो भी LED कंपनी प्रोवाइड करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में अगर देखा जाए, इसमें ब्लैक वाइजर मिलते हैं, एंड फ्रंट सेक्शन में जो हेडलैम्प यूनिट है, लेफ्ट साइड LED DRLs और ये है राइट साइड LED DRLs, और यहाँ पे ये जो है ये है इसका हेडलैम्प यूनिट जो LED में कंपनी प्रोवाइड करते हैं। ये है इसका मार्गर्ड जो प्लास्टिक में कंपनी प्रोवाइड करते हैं, बट काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पे नॉर्मल सिंगल चैनल ABS कंपनी प्रोवाइड करते हैं, और इसमें जो सस्पेंशन यूज़ होते हैं नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूज़ करते हैं कंपनी। फ्रंट टायर जो है वो है 17 इंचेस का टायर, ट्यूबलेस टायर, TVS का ही टायर यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक रेड लाइन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी कलरफुल है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है। 270mm का डिस्क कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। RTR का एक बड़ा सा लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे हॉर्स का एक 3D लोगो देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक इंजन गार्ड मिल जाते हैं जहाँ पे TVS रेसिंग का बैजिंग देखने को मिलते हैं, और लेग गार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे Apache का एक स्टिकर मिल जाता है। ये है इसका राइट साइड प्रोफाइल। तो टोटल 12 लीटर्स का टैंक कंपनी प्रोवाइड करते हैं, एंड 45 किलोमीटर तक माइलेज आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसका डिज़ाइन पूरा ही चेंज कर दिया कंपनी, और यहाँ पे RTR 180 का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और इसका की देखने में कुछ ऐसे आता है जहाँ पे TVS का एक लोगो मिल जाते हैं। और की इंसर्ट करने के बाद अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जब आप ऑन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में कुछ ऐसे आते हैं। और यहाँ पे मैल फंक्शन, ABS, न्यूट्रल, फ्यूल इंडिकेशन, और यहाँ पे पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप TVS का एक लोगो मिल जाते हैं, ये फ्यूल इंडिकेशन, आपका रेसिंग, ये गियर इंडिकेशन, और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो बाइक है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऐप जो TVS प्रोवाइड करते हैं उस ऐप के साथ ये कनेक्टेड है, जिसमें बहुत सारा फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो अभी आते हैं इसका लेफ्ट साइड प्रोफाइल में। सो लेफ्ट साइड में क्या है, हैंडल बार में ये है इसका क्लच, जो क्लच सिल्वर कलर में जो कलर है, और ये स्लीपर क्लच है कंपनी प्रोवाइड करते हैं, जो काफ़ी देखने में ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे सिंपली आपको येलो कलर में जो है ये पासिंग है, ये अपर डिपर है, और यहाँ पे ये हॉर्न है, और ये लेफ्ट इंडिकेटर राइट इंडिकेटर, तो इंजन किल स्विच, इंजन ऑफ स्विच, और यहाँ पे ये मोड मिल जाते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन मिल जाते हैं। सो इंजन ऑन करना है, देन इसको स्टार्ट देना है। तो डिज़ाइन पूरा ही चेंज कर दिया गया है, LED कंपनी प्रोवाइड करते हैं टेल लैंप, बट यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है, फ्रंट इंडिकेटर्स है, रेयर इंडिकेटर्स, दोनों ही आपको हैलोजिन में कंपनी ऑफर करते हैं। दो रिफ्लेक्टर एंड एक टेल लैंप और एक नंबर प्लेट लाइट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये जो है मोनोट्यूब गैस फील्ड एब्जॉर्ब सोकर है, रेयर साइड में कंपनी प्रोवाइड करते हैं बोथ साइड में, और सिंगल चैनल ABS का ब्रेक यहाँ पे मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक 200mm का साइज है डिस्क ब्रेक का, और यहाँ पे 17 इंचेस का वाइड टायर TVS का आपको मिल जाते हैं, जो 120x70mm इसका डायमेंशन है। एग्जॉस्ट मफलर में आपको RTR का एक बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाते हैं, और ये है इसका एग्जॉस्ट का लुक, जो काफ़ी देखने में बढ़िया लगता है। और यहाँ पे एक ब्रेक लीवर आपको कंपनी प्रोवाइड करते हैं, जो ब्रेक लीवर देखने में बहुत ही बढ़िया है, एंड ये जो है ये सिल्वर कलर में कंपनी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे 180 का लोगो, RTR लोगो आपको देखने को मिल जाते हैं राइट साइड वाइजर में, और लेफ्ट साइड वाइजर में भी आपको सेम देखने को मिल जाते हैं। और ये है इसका लेफ्ट साइड प्रोफाइल। टोटल 180cc का इंजन मिल जाता है, SI 4 स्ट्रोक ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो मैक्सिमम 14.54 PS का पावर जनरेट कर लेते हैं। एंड इसका अगर डायमेंशन के बारे में बात किया जाए, तो टोटल हाइट है 1105mm का है, और इसका जो टोटल लेंथ है 2085mm, एंड ये व्हील बेस अगर देखा जाए तो व्हील बेस भी काफ़ी लंबा है, वो है 1326mm का, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, वो है 180mm का। सो ये था इसका टोटल रिव्यू ऑफ दिस बाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो शोरूम का लोकेशन है इन वेस्ट बंगाल, घोष TVS तमलुक लोकेशन।